10 में से 8 औरतें गलत साइज की ब्रा पहनती हैं, क्या आप भी उनमें से एक हैं? हाय, ये है मेरी फैशन और स्टाइलिंग पे वीडियो सीरीज। किसी भी आउटफिट की फिटिंग अच्छे मास्टर पे तो डिपेंड करती ही है, बट कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर रोल होता है आपकी ब्रा का। ज्यादातर औरतों को अपना सही ब्रा का साइज मालूम ही नहीं होता, या तो वो अपने साइज से बहुत बड़ी ब्रा पहन रही होंगी या फिर बहुत टाइट। और अक्सर वेट फ्लक्चुएशन होने के कारण आप कपड़े तो लूज टाइट करवाते रहते हैं, बट अपनी ब्रा उतना जल्दी कोई नहीं चेंज करता। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना सही ब्रा साइज मालूम करने का बहुत इजी तरीका बताने वाली हूँ। सो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, और अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर सभी वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं और बिल्कुल फ्री हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक इंची टेप। आप ये सब मेजरमेंट्स बिना किसी की हेल्प के खुद भी ले सकते हैं। पहले हमें मालूम करना है कि आपकी ब्रा का बैंड साइज क्या होना चाहिए। आपकी ब्रा के नीचे के इलास्टिक वाले पार्ट को बैंड कहते हैं, जो कि आपकी ब्रा का एक्चुअल साइज होता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल अपनी ब्रेस्ट के नीचे ऐसे इंची टेप को पकड़कर मेजर करना है। अब जो भी नंबर आया है, मान लो 28 इंचेस या फिर 38 इंचेस, इसमें 4 इंच ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 42 इंचेस। ये है आपकी ब्रा का साइज। अगर आपकी जो ये अंडर बस्ट की मेजरमेंट आपने ली है, इसका नंबर ऑड आता है, मींस 35 या फिर 37 आता है, तो आप उसके आगे का नंबर काउंट कीजिए। लाइक अगर 35 या फिर 35.5 आया है तो उसे 36 मान के चलिए, बिकॉज ब्रा के साइजेस इवन नंबर्स में ही आते हैं। उसके बाद आता है कप साइज। कप साइज मेजर करने के लिए इंची टेप को ऐसे अपनी ब्रेस्ट के फुलेस्ट पार्ट के अराउंड रैप कीजिए और नंबर देखिए। लेट्स से अभी ये नंबर आया 46 इंचेस। कप साइज के लिए आप अपनी ब्रेस्ट की मेजरमेंट में से अपनी बैंड की मेजरमेंट को माइनस करेंगे। आपकी ब्रेस्ट की मेजरमेंट आई 46 इंचेस, उसमें से आपका बैंड का साइज जो कि था 42 इंचेस, माइनस करके आया 4। अगर ये डिफरेंस 1 होता तो आपका कप साइज होता ए, अगर 2 का डिफरेंस होता तो कप साइज होता बी, वहीं अगर 3 का डिफरेंस होता तो आपका कप साइज सी होता। अब इस एग्जाम्पल में डिफरेंस वाला नंबर 4 है तो कप साइज होगा डी। आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और आपकी मेजरमेंट्स के बाद आपके पास जो भी नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप कप साइज चूज कर सकते हैं। ये सबसे आसान और सबसे एक्यूरेट तरीका है अपनी एग्जैक्ट ब्रा साइज मालूम करने का। बट इसके बाद भी ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि कौन सी शेप और स्टाइल की ब्रा आपके लिए सबसे सही रहेगी, बिकॉज हर एक फीमेल बॉडी अलग है और हर एक ब्रांड की फिट अलग होती है। सो मैं आपको थोड़े से और बेसिक पॉइंट्स बताऊंगी जिनका आप नई ब्रा खरीदने टाइम ख्याल रख सकते हैं। आपको ये चेक करना है कि आप जो ब्रा खरीद रहे हैं वो आपको लेते टाइम एकदम लास्ट हुक पे फिट आए, क्योंकि ब्रास कुछ टाइम के बाद थोड़ी लूज हो जाती हैं। तो अगर आपने पहले ही सबसे टाइट वाली हुक पे फिट आने वाली ब्रा ली होगी तो वो आपको कुछ टाइम बाद ही डिस्कम्फर्ट देने लगेगी। दूसरी चीज़, जो ब्रा के स्ट्रैप्स हैं वो आपके शोल्डर्स में धंसे नहीं, मींस ऐसे शोल्डर पे मार्क्स ना छोड़ें। अगर मार्क्स आ रहे हैं मींस आपके शोल्डर्स पे प्रेशर आ रहा है और ये आप ज़्यादा देर तक कंफर्टेबली पहन नहीं पाएंगी। और आखिर में ये ख्याल रखें कि आपकी ब्रा का कप आपकी ब्रेस्ट को अच्छे से कवर करे। अगर साइड से ब्रेस्ट बाहर निकल रही है तो वो किसी भी कुर्ते और टॉप में भी अजीब से नज़र आएगी, तो मेक श्योर आपकी ब्रा आपको प्रॉपर कवरेज दे। ब्रा सिलेक्शन में और भी बहुत से पॉइंट्स होते हैं, जैसे कैसी ड्रेसेस के साथ कैसी ब्रा पहने, वायर्ड और अनवायर्ड ब्रा में से कौन सी ज़्यादा अच्छी फिट देती है, एंड और भी बहुत कुछ। उस पे मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये फॉर्मूला पहले से मालूम था
या फिर आपको आज तक परफेक्ट ब्रा साइज मिला के नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और कजन्स और यंग बच्चियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।